दोस्तों यहाँ पर हमारा जेसीबी से हम लोग चलो ढाक लो एक दो तीन स्टार्ट चलो एक दो तीन स्टार्ट जाते जान दो हल्का तो सा <laughs> नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा एल पैनल रहता है और जो हमारा फ्लोर पैनल जो हम लोग इंडोर स्टेडियम पे लगा रहे हैं ना उसको जो है अंदर लेके जाना था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और मैंने जो है यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड भी किया था जिनको जिनको पता है दोस्तों वो वीडियो बत्रे को एडवाइस दिए और जो हमारे को बताया कमेंट करके उनको दिल से थैंक यू दोस्तों हम लोग को पैनल को अंदर लेने का तरीका बताएं और दोस्तों हम जो है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल किस तरीके से पैनल को अंदर लेके जाना है मल्टी पैनल फ्लोर पैनल को अंदर कैसा लेके जाना है तो चल दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं किस तरीके से पैनल को अंदर लेके जाएंगे और कैसे कहां पर हम लोग को उसको सेटअप करेंगे दोस्तों वीडियो भी नहीं आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कमल इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और दोस्तों आप यूट्यूब से नहीं फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पर आप फॉलो कर लेना ताकि हमारा जैसा जैसा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे तो चलो दोस्तों मिलते हैं नहीं। नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर है हमारे पास ये फ्लोर पैनल है ये इंडोर स्टेडियम पे लगने वाला है तो दोस्तों इसको हम लोग को लेके जाना है अंदर तो देखिए यहां पर स्टे वार यूज कर रही और ये फ्लोर पैनल है और यहाँ पर हम लोग तैयारी करें इसको अंदर लेके जाने का और काफ़ी भारी है और आपको बता दूँ ये 700 सौ का हमारा पैनल है और इसको अंदर लेके जाना है और जे से हम लोग लेके जाने वाले हैं तो ये आप देख सकते हो जे में हम लोग स्टे वायर तैयारी कर दिए और इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर जे से उठा दिए इसको और इसको ले जाना है कहाँ पर हम लोग को लेके जाना है अंदर तो ये काफ़ी दिक्कत जा रहा है वन स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेगा क्योंकि एक बार में जेसीबी से उठा के नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वेट है इसका और वेट होने के कारण फाइनल हमारे जो है हम लोग ऊपर में ले आए स्टेप के ऊपर में और इसके अंदर जो है लेने के लिए अपने को सुविधा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर टाइल लग रहा है तो जे से उठा के तो यहाँ पर रख दिए और हम लोग दूसरे दिन आए दूसरे दिन आने के बाद भी रात हो गया था ना उस दिन तो काम नहीं हुआ फ्लोर लग रहा था हमारा टाइल तो इसके ऊपर हम लोग ला रख दिए और काफ़ी हेवी स्टे वायर से हम लोग लेके आए नहीं तो यहाँ पर लेवल लोग से नहीं हो पा रहा था क्योंकि उठा के लाना सात सात सौ के जी का काफ़ी वेट था इसका तो इसीलिए ये लेके नहीं आ रहे थे और इसको देख के यहाँ पर हो रहा था काम अपना टाइल का तो ये टाइल कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को पैनल कहाँ रखना है हम आपको बताते हैं यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा जो है सेटअप रखना है यहाँ पर सीढ़ी के नीचे और ये देखिए इसको हम लोग एक फाउंडेशन बना दी ये दो इंच का हाइट है और इसका लंबाई है दस इंच दस फीट बाय तीन इंच का हमारा जो है ये लंबाई है और इसका चौड़ाई है डेढ़ फीट तो चलो यहीं पर हम लोग फाउंडेशन बनाएं और पैनल को वहीं पर रखेंगे तो इसको लेके जाने का डिफ़िकल्ट है और काफ़ी लोग भाई लोग मेरे को कमेंट करके बताए इसको लेने का तरीका तो मेरे को तो पता था फिर पूछता हूँ कितने जितने भाई लोग हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं मेरे को और स्टे वैर से हम लोग स्टे हुक करके लाए और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग के पास हम लोग पाइप लेके आ गए हैं ये डेढ़ इंची पाइप है और ये देखिए इसी तरीके से ये घू ये इसके नीचे हम लोग लोड डालेंगे नहीं तरह से ढुलते हुए चले जाएगा तो चलो देखते हैं स्टे वायर को बाहर निकालते हैं और आप देख सकते तैयारी चल रहा है काफ़ी लोग हमारे साथ वीडियो हुए हैं और ये स्टे वायर निकालने के बाद देखिए एक बल्ली से इधर प्रेस कर रहे हैं क्योंकि बल्ली के ऊपर रखे थे और ये रोल पाइप ले जाते हैं करीब हम लोग इसको तीन तीन फीट का काट दिए और ये डेढ़ इंची पाइप है रोल पाइप और काफ़ी हेवी वाला ठीक है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इसके नीचे रखते हैं और पीछे तरफ से प्रेशर देते हैं देखिए काफ़ी आराम से चले जा रहा है और काफ़ी लोग दोस्तों इसके बारे में बताएं उनको दिल से थैंक यू जो जो मेरे को इसके बारे में बताए रोल पाइप से ले चले जाओ सर इसको ले जाओ तो काफ़ी आसानी से चले जा रहा है दोस्तों आप मेरे को यहाँ पर देख सकते हो हम लोग रोल पाइप डालने के बाद ये आराम से ढुलते हुए चले जा रहे हैं और फ्लोर का हाइट ज़्यादा और दूर भी नहीं है यहीं पर पास में है और ये आसानी से चले जाएगा दिक्कत तो हमारे को जेसीबी से उठा के यहाँ पर लाने में था तो इससे आगे जाने में कोई दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टाइल के ऊपर लेके ले जाना है तो काफ़ी सारे लोग सब भिड़े हुए हैं इंजीनियर सर भी भिड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो देखिए यहाँ पर हल्का सा प्रॉब्लम जा रहा है क्योंकि हाइट है ना जो हमारे टाइल और ये नीचे हमारे टाइल नहीं लगाए तो उसके ऊपर लेके जाने के बाद काफ़ी आराम से जाने वाला है ऐसा लग रहा है तो चलो देखते हैं इसके बाद अरे बाबरे देख हो एक गलती के कारण इसके ऊपर पैनल गिर गया था अरे बाप रे इसीलिए काफ़ी रिक्स लग रहा है इसके लिए हाइड्रा चाहिए था हाइड्रा को बोला गया था वो काम नहीं मतलब बिना बताए चले गया तो हाइड्रेस हम लोग अंदर ले आते यहाँ पर करीब तो काफ़ी दिक्कत जा रहा है देख लो कितने आदमी भिड़े हुए हैं तब जाके ये पैनल जो है आ रहा है क्योंकि 700 सौ के जी यहीं पर नहीं है तो पैनल का काफ़ी भारी पन है तो ये खाली रोल पाइप से देखिए हम लोग तैयारी करें वहाँ से तो आ गया देखते यहाँ पर आगे तरफ जा पाएगा कि नहीं रोल पाइप में ऐसा लग रहा है अपने को तो देखिए दोस्तों काफ़ी आसानी से यहाँ पर जल जा रहा है रोल पाइप डालने के बाद देखिए स्क्रेच नहीं आएगा टाइल के ऊपर हम लोग इसके ऊपर हम लोग कार्टून डाल दिए तो कार्टून में फंस जा रहा है तो हम लोग सोच रहे कार्टून को बाहर निकलेंगे आगे तरफ और हल्का हल्का प्रेस करते करते आ रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर भीड़े हुए हैं आप देख सकते हो तो ये देखिए चलो इसका ओरिजिनल वॉइस सुनाते हैं काफ़ी चिलचिल हो रहा है आपको सुनाते हैं इसका ओरिजिनल वॉइस तो गाइस देख रहे हो काफी मेहनत रुको 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 आराम से बस रुको आगे में रखो बस अरे यार रुको 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 तो फाइनल देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पैनल आ गया कॉर्नर पे आप देख सकते हो इसको लाने का तरीका देखिए कैसा था ये देखिए पूरा रोल पाइप में आ रहा है और कोई भी स्क्रेच भी नहीं आएगा हल्का फुल्का आएगा टाइल के ऊपर और बिल्कुल स्क्रेच नहीं आने वाला क्योंकि इसके ऊपर कार्टून डाल दिए हम लोग देखिए काफी आराम से ये रोल होते होते आ गया और ये साइड पे आया है देखिए दोस्तों इसको हम लोग को साइड पे लेके आया अभी सबसे बड़ा डिफिकल्ट तो होगा यहाँ पर फाउंडेशन में ऊपर लेके जाने का तो ये फाउंडेशन करीब चार इंच तीन इंच का हमारा तीन इंच के करीब हाइट है तो इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे काफ़ी डिफिकल्ट है देखिए कितने हन भीड़े हो अभी भी इंजीनियर सर भी साथ में वीडियो हुए इसको प्रेसर करने के लिए ताकत लगा रहे हैं ताकि यहाँ पर पहुँच जाए देखिए यहाँ पर आ चुका है और इसको टर्निंग करके इसको मोड़ के लेके जाना कहाँ पर और मैं भी जाता हूँ वहाँ देख सकते हो कैमरा पकड़ा दिया किसी और को और ये देखिए वहाँ पर से हम लोग को साइट करना है तो इसको साइट करने के लिए सभी पाइप को सेटअप कर रहे हैं आप देख सकते हो सेटअप करने के बाद हम क्या करेंगे ये पाइप से हल्का हल्का देखिए यहाँ पर जो है एक बल्ली से ले लिए और बल्ली से हल्का हल्का तेज जो है इसको प्रेस कर रहा है तो इसको प्रेस करते करते यहाँ पर हल्का सा ऊपर की ओर लेके जा रहा है तब जाके ये जो है पैनल साइड हो रहा है तो इतना भारी पैनल जो है पहली बार हम लोग इंस्टॉलेशन करने आपको क्यों झूठ बोलेंगे हम लोग पहली बार इस इतना बड़ा पैनल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं तो इसका तो हम लोग अभी इसको फाउंडेशन में सेटअप करेंगे जो फाउंडेशन बनाए वहीं पर सेटअप करेंगे तो इसके लिए काफ़ी दिक्कत जा रहा है देख सकते हो तो ये हम लोग ऐसा ऐसा दो पैनल फिटिंग करने वाले हैं ये हमारा ये पहला इंडोर स्टेडियम में और एक खरिया रोड का है वहाँ भी करेंगे तो ये देखिए काफ़ी आराम से रोल पाइप में आ जा रहा है तो अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे डिफ़िकल्ट तो अपने को इसको फाउंडेशन के ऊपर रखना है तो देखते हैं कैसा होता है और कोशिश जारी रहेगा हम लोग का हो पाता है कि नहीं और इतने जितने हैं आदमी थे यहाँ पर देखिए सभी को चले गए और यहाँ पर चार बंदे हैं ओनली पहले तो छः थे और स्टार्टिंग के समय तो काफ़ी एक से दो खाली हम लोग जैसे भी से उठा के वहाँ पर रखें तो ये देखते हैं यहाँ पर इसको लेते हैं देखिए काफ़ी आराम से चक्के जैसे ढुलते हुए आ जा रहे तो ये रोल पाइप का कमाल है और इसको हम लोग को सेटअप करना है जहाँ पर से इसको फाउंडेशन में बैठाना है तो बैठाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है यहाँ पर हम लोग जो है इसको सेटअप करते हैं उसका से सीधे प्रेस में रखते हैं उसके बाद आपको बताते हैं इसमें क्या करने वाले हैं तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सेटअप कर देते हैं पूरा सेंटर पे रखेंगे ऐसे और एक दो बंदे और बुला लिए देखिए कितना भारी है ये नहीं जा रहा था देखिए एक बल्ली से कैसे जाएगा देखना ये बल्ली से हल्का हल्का प्रेस कर देगा वो अंदर चलेगा देखिए ये देख सकते हो ये देखिए हल्का हल्का ये आ गया उसके बाद उधर वाले को चलते हैं दोनों तरफ पूरा हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं उसके बाद ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ऊपर कैसे लेना है तो आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है और जिनको जिनको पता है भाई कमेंट जरूर करना तो चलो हम आपको बताते हैं ऊपर लेने का तरीका तो हम जो है यहाँ पर ला लिए उसके बाद हम लोग दो तीन ईंटा ले आते हैं हमारा चार इंच का ईंटा रहता है इसको एक तरफ से उठाएंगे और एक तिरछा, मतलब एक तरफ से पेस दे के ताकत लगा के उठा के अभी इसको साइड रखने वाले हैं तो अभी हम आपको दिखाते हैं इसको कैसा करना है तो देखिए ये सेंटर पर आ गया है और सभी को दिमाग लगा रहे हैं क्या करेंगे तो सभी का दिमाग तो नहीं लग पा रहा है तो हम सोच रहे हैं वही प्लान ईंटर रख के इसको ऊपर करेंगे एक तरफ से प्रेशर दे तो ये देखिए ये यहीं पर हमारा जो है सेटअप रेडी है और वहाँ पर सभी का प्लान दिमाग चल रहा है और ये देख सकते हो दोस्तों फाइनली हम लोग आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि कैमरा मैन हमारा डियो बंद कर दिया था तो ये ईटर रखें और रोलर पाइप में लेके आके कि यहाँ पर साइड पे लगा दिए तो इसको कैसा लिए आपको दिखा नहीं पाया सॉरी दोस्तों क्योंकि हमारा जो वीडियो बना रहा था वो हमारा वीडियो यहाँ का सूट नहीं कर पाया तो देखिए यहाँ पर ताकत कैसा लगा रहे हैं देख रहे हो चलो इसका ओरिजिनल वॉइस सुनाते हैं चलो चलो बजरंग तो आपको बताता हूँ यहाँ पर इतना ताकत क्यों लगा रहे थे तो ये यह देखिए यहाँ पर क्या हुआ फाउंडेशन के ऊपर तो हम लोग बैठा दिए और वो पैनल जो है ना उधर चले गया तो अपने को लाना है चार से पाँच इंच का करीब अपने को चार से पाँच इंच का करीब भी हम लोग को लेके जाना है अंदर ये देखिए यहाँ पर जो है ये अंदर नहीं आ पाया और काफ़ी मेहनत की है अभी देख रहे हो कितने प्रेशर लगाए ताकत लगाए बिल्कुल नहीं हिलने वाला रोल पाइप से आ गया बहुत बड़ी बात है नहीं तो ये हल हिलने डुलने वाला नहीं है इधर हमने को चार चार इंच का गेपिंग करना है तो इधर से प्रेशर देना है तो कैसा करेंगे चलो एक और टेक्निक लगाते हैं जैसे कि हम लोग एक बल्ली का टुकड़ा डाल दी यहाँ पर देख सकते हो और इधर से हल्का हल्का प्रेस कर रहे हैं आप देख सकते हो ये जाता है कि नहीं दे हल्का हल्का प्रेस कर रहे हैं ये आराम से जा रहा है देख सकते हो कोई भी ताकत नहीं लगा रहे एक ही बल्ली पे जा रहा है ठीक है ये बल्ली नहीं है फ्रेम वैसे ही हम लोग प्ले का टुकड़ा एक डाल दिए और उसके बाद हल्का हल्का ताकत लगाएं देखिए चार इंच का करीब अपने का अंदर चले गया और चलो दोस्तों यहीं पर रखते हैं और इसको अंदर नहीं लेके जाते हैं और फाइनली यहाँ पर हमारा सेटअप हो गया आप देख सकते हो पूरा फ्लोर पैनल हमारा जो है फ़्लोर पे आ गया और इसको निकाल लेते हैं निकालने का टेक्निक वही करेंगे इसको अंदर डालेंगे और हल्का सा निकालेंगे हल्का सा दिक्कत जाएगा चलो कोई द कोई बात नहीं यहाँ पर हमारा सेटअप हो चुका और ये देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक केबल ट्रे आने वाला है तो केबल ट्रे का भी वीडियो डलेगा दोस्तों और ये फाइनली सर आके चेक कर रहे हैं इसका पैनल का क्या क्या पोजीशन है और आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी पसंद आएगा वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को जल्दी जी फॉलो ताकि ऐसा ऐसा रिलेटेड वीडियो मिलते रहे चलो दोस्तों मिलते रह जय हिंद बंदे माता जी जगन्नाथ